अब जो है जुडिशरी डर है, जुडिशरी को डर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डर, और ईबी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वालों को डर है। मतलब ये दबाव में नहीं है खाली, अब डर है। अभी तक हम दबाव की बात करते थे, अब मैं कह रहा हूं कि इन सबको डर लग रहा है। अगर हमने ऊपर का हुक्म नहीं माना तो क्या होगा? ऊपर से हुक्म आते हैं आपको, इलेक्शन जहाँ जहाँ होते हैं उसके पहले जाके कहाँ का छापामारी करनी है, लिस्ट दी जाती है। जो चंदा को देने वाला हो अपनी पार्टियों को, उनको चिन्हित किया जाता है, उनको टाइट किया जाता है, चंदा नहीं मिले इनको, चंदा सिर्फ हमारे पास में आए बॉन्ड के माध्यम से और किसी भी रूप से। एक तरफा खेल चल रहा देश के अंदर। देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे हम बहुत तकलीफ में आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मजबूत रहना सबसे सर्वोपरि सर्वोत्तम क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की, जिसकी रक्षा की है कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन कर करके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी देख रहे हम लोग, बहुत ही मैं बार बार कोई पत्रकार को खुश कर ले नहीं कहता हूँ, मैं आर्टिकल देख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, डिस्कशन आते हैं आजकल, वो सत्य हिंदी का आपका ऐप, एक ऐप बना लगा वो आशुतोष का, उसी ढंग से और कई ऐप बन गया आजकल, तो रवीश कुमार का ऐप बन गया होगा। मैं देखता हूँ उनमें डिस्कशन बैठते हैं, आपके आपके साथी होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, लेखक होंगे, साहित्यकार होंगे, क्या क्या मतलब लोगों की सोच है, क्या चिंतित है लोग। कई लोग तो लिखते लिखते थक गए, अब आपके कहाँ तक लिखेंगे इनके बारे में। तो पहले कांग्रेस शासन में क्या था, लोग क्या कहेंगे उससे शासन कांग्रेस करती थी, जनता क्या सोच रही है हमारे बारे में, मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा, अब 7-8 साल में कोई इस्तीफा हुआ है? तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा फर्क है सोच के अंदर कांग्रेस की और इन लोगों की सोच के अंदर। ये सब बातों को हमें पब्लिक को भी बताना पड़ेगा।